मैं हूँ दिल इम्तियाज़। क्या आपने कभी सोचा है कि चार्ज जब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह तो उसका असर दूसरी चीज़ों पर क्या पड़ता है? तो इस सिमुलेशन में जो कि हम फैट सिमुलेशन फैट लैब यूज़ कर रहे हैं, हम चार्ज को मूव करवाएंगे यानी उसको हरकत देंगे और फिर देखेंगे कि उसका असर क्या पड़ता है दूसरी चीज़ों पर। और फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो रेडियो है, जो घरों में हम रेडियो सुनते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, मवासलाती निज़ाम है, वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप देखें, इस सिमुलेशन में, इस लैब में मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट चार्ज है, और अब मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस चार्ज को मूव करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। तो जब मैं इसको मूव करवाऊँगा तो आप देखिएगा कि ये जो लाइट वाइट लाइन्स हैं इसमें से निकल रही हैं, ये क्या है? इसकी फील्ड है, चार्ज की फील्ड जो है वो ये वाइट लाइन है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अगर इस चार्ज को मूव करवाता हूँ तो क्या आप देखते हैं? तो इसकी फील्ड जो है उसमें चेंज आई, इसकी फील्ड में चेंज आई। फिर मैं मूव करवाता हूँ, देखें तो आपने ये देखा कि जैसे मैंने चार्ज को थोड़ा सा मूव करवाया तो एक छोटी सी बेल शेप की पल्स जो है वो आगे गई, ठीक है। ये इसके फील्ड में चेंज आई, जो चार्ज से निकली और बाहर की तरफ गई, उससे दूर होती गई। अच्छा ठीक है, अब हम ये करते हैं कि हम चार्ज को ज़्यादा ज़्यादा करते हैं, मैं इसको मूव करवाता हूँ। और अब आप देखें कि इसकी जो फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, अभी हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किस तरह चेंज हो रही हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे चेंज हो रही है। अच्छा, अब इसमें हम ये देखते हैं कि अगर ये चार्ज जो है मैं इसको छोड़ता हूँ, जैसे मैंने इसको छोड़ा तो आप देखें कि ये रेस्ट पे आ गया। तो जब ये रेस्ट पे आता है तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, वो भी स्ट्रेट हो जाती हैं, ठीक है। जब ये रेस्ट पे नहीं होता तो वो बदलती हैं, उनमें चेंजेस आती हैं, ठीक है। और फिर वो जब ये रेस्ट पे आ जाता है तो वो फिर स्ट्रेट हो जाती हैं। अच्छा, अगर हम फ्रिक्शन फ्री एक जगह लें जहाँ पर फ्रिक्शन ज़ीरो है, वहाँ पर ग्रेविटी भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उसमें कोई फोर्स नहीं है, ना फ्रिक्शन है ना ग्रेविटी है, तो वहाँ पर चार्ज कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा मूव करवाया तो आप देखें कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस भी चेंज हो रही है। पर अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो आपने देखना है कि अब आप देखें तो ये नीचे की तरफ, क्योंकि मैंने एंड पे इसको नीचे की तरफ मूव करके छोड़ा था, तो मेरी जो अप्लाइड फोर्स थी, जो मेरी फोर्स लगी थी, वो नीचे की तरफ लगी थी। तो क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है और कोई और फोर्स नहीं है, तो ये हमेशा मूव करता रहेगा नीचे की तरफ, जो कि बेसिक न्यूटन का लॉ है, जिसमें उसने कहा कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर किसी चीज़ पर फोर्स नहीं लग रही तो वो हमेशा मूव करती रहेगी, ठीक है, और उसको रोकने के लिए आपको फोर्स चाहिए। तो अब यहाँ पर क्योंकि फोर्स नहीं है तो ये मूव करता रहेगा, जब तक मैं इसको दोबारा फोर्स लगाऊंगा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, फिर ये मूव करता रहेगा, अब मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्शन फ्री हमारे पास एक जगह है जहाँ पर ये रुकेगा नहीं, ये थोड़ी या ज़्यादा स्पीड के साथ एक डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको लेते हैं, ये देखें, ये मुख्तलिफ पैटर्न्स बना सकते हैं। मैं इसको अगर मूव करवाता हूँ, आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मुख्तलिफ पैटर्न्स जो हैं वो इसकी हर नई हरकत के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बदलती है और उसके पैटर्न्स जो है वो बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको लीनियर करता हूँ, लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो स्ट्रेट में आप देखें तो इसका जो आप देखें कि जो इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन है, वेलोसिटी का वेक्टर है, वो बराबर है, एक ही वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, और उसके साथ साथ इसकी जो स्ट्रेट लाइन है फील्ड की वो बिल्कुल सीधी है, उनमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आ रही। अब हम इसको साइनोसॉइड में देखते हैं, तो अगर मैं इसको टू एंड फ्रो ऑसिलेशंस दूँ, ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर अभी आपने पढ़ा है तो आपको पता चल गया कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी ये ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो इससे जो लाइंस निकल रही है, देखें ये लाइन अगर ले लें तो ये एक साइन, तो साइन वेव है, साइनोसॉइडल जिसको कहते हैं,
ठीक है जी। ये भी इसी तरीके से, ऊपर को भी इसी तरीके से। तो अगर एक चार्ज टू एंड फ्रो मोशन करें या पीरियोडिक मोशन करें या सिंपल हार्मोनिक मोशन करें, तो उससे जो वेव निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती हैं, वो साइनोसॉइड होती है। अब हम इसको सर्कुलर घुमाते हैं। सर्कुलर में आप देखें कि आप देखें तो यहाँ पर भी आपको साइनोसॉइड ही नज़र आ रही है, ठीक है जी। इसमें भी आपको साइनोसॉइड जो है, साइनोसॉइड का मतलब साइन और कोसाइन में वेव जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। अगर मैं बम्प देता हूँ इसको, ठीक है जी, मैं अगर इसको एक जर्क देता हूँ, तो अब आप देखिए मैं इसको एक बम्प दूंगा दोबारा। तो ये देखें, एक पल्स जो है, एक चेंज जो है वो नज़र आएगी, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, और वो बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जब हम किसी भी चार्ज को मूव करवाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज से बाहर की तरफ मूव करती है, ठीक है जी, उस चार्ज से बाहर की तरफ मूव करती है। अब हम एक और सिमुलेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, और वो सिमुलेशन है रेडियो वेव की। ये सिमुलेशन मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, ठीक है जी। और इस सिमुलेशन में हम ये करेंगे, ये हमारे पास एक ट्रांसमीटर है और ये एक हमारे पास रिसीवर है। यहाँ पर एक रेडियो रखा हुआ है जिसमें सिग्नल आ रहा है। तो क्या है ये रेडियो का एक सिंपल सा सिस्टम है, जिसमें ये रेडियो स्टेशन है, FM 100 कह लें, इन्होंने 98.7 कहा गया, ठीक है जी। और हमारे पास यहाँ पर रिसीवर है, ये आपका घर है, यहाँ पर आप रेडियो जो है FM सुन रहे हैं, और बीच में हमारे पास एक एंटीना लगा हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक एंटीना लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक एंटीना लगा हुआ है। तो ये जो एंटीना होता है, इसको कहते हैं ट्रांसमीटर एंटीना। क्या करता है जी, ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर जो एंटीना लगा होता है, ये रिसीविंग एंटीना होता है। ये क्या करता है जी, ये रिसीव करता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको सिंपल करके बताऊँ, ये बहुत सिंपल मॉडल है, तो ट्रांसमिशन एंटीना में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अगर उस इलेक्ट्रॉन को हम हिलाएंगे, चलिए अभी मैनुअल पे है, अब हम ये क्या बताएं कि ये हमारे पास वही इलेक्ट्रॉन है जो अभी हमने देखा था, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये भी एंटीना है। तो एंटीना में हमारे पास दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन है, और हम अगर इस इलेक्ट्रॉन को हिलाएंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी जी, चेंज होगी, ठीक है। अच्छा चलो मैं ये देखें, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। जब तक ये मूवमेंट में है, जब तक ये ऑसिलेट कर रहा है, जब तक ये हरकत कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर नहीं दिखाई गई, पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी और इस तरफ जाएगी, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हमें ये पता है, मैं ये निकाल के रख चुका हूँ, ठीक है जी। हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के मूव करने से आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, ठीक है जी। रेड कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें नज़र आ रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उसके साथ उसके 90 के जाविये पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है जो नीली है, जो इस लैब में हमें दिखाई नहीं गई, पर आप क्योंकि इस लैब को सिंपल बनाया गया है तो आप ये समझें ज़रूर कि ये वो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ चेंज हो रही है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके साथ दो चीज़ें चेंज होती हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की तरफ ट्रैवल करती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो बाहर की तरफ ट्रैवल करती है, और वो खुद जो है वो, ये आपको नज़र आ रहा है कि इस एरो के अलॉन्ग वेव जो है ये ट्रैवल कर रही है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है जब भी हम यहाँ पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस जो इसमें थोड़ा सा इशू है, ये हैंग हो जाती है बार बार, मैं इसको दोबारा जो है वो फैट से डाउनलोड कर लेता हूँ।
चलें आपको ये भी पता चल जाएगा कि फेट से अगर हमने कुछ चीज़ डाउनलोड करनी है तो वो किस तरीके से करनी है। मैं यहाँ पे लिखूँगा रेडियो, तो मुझे रेडियो से रिलेटेड जितनी भी ये सिमुलेशन है ये नज़र आ जाएंगे। मुझे यहाँ पर चाहिए रेडियो वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पर चले गए और यहाँ पर जाके मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो जब मैं क्लिक करूँगा तो वो डाउनलोड हो जाएगी, और जब वो डाउनलोड हो जाएगी तो मैं उसको खोल लूँगा। आपके पास जावा होना चाहिए इसको खोलने के लिए, और ये आपके पीसी पर खुल जाएगी, ठीक है। ये अब मेरे पास आ चुकी है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन था और ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये एंटीना है उसमें इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब हम इसको ऑसिलेट करवाते हैं, मूव करवाते हैं। तो अगर आप ये देखें तो ये ऑसिलेट कर रहा है, जैसे ये मूव कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ साथ चेंज हो रही है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने ये दिखाया था वो बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। और वो बाहर की तरफ जब जा रही है उसकी मूवमेंट कहाँ किस तरफ है, इस तरफ को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चेंज हो रही है ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, पर जो वेव ट्रैवल कर रही है वो बाहर की तरफ कर रही है, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ चेंज हो रही है, पर जो उसकी, अब मैं आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर वेव जो मूव कर रही है वो इस तरफ को कर रही है, ये वाली वेव है आपकी। तो वेव किस तरफ को मूव कर रही है, इस तरफ को मूव कर रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके इस तरफ होगी। तो इन तीनों में जो एंगल होगा वो 90 का होगा, यानी ये भी 90 का जाविया होगा और ये भी 90 का जाविया होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये वक्त के साथ साथ ये जो फील्ड है, क्योंकि रास्ते में उसको और भी बड़ी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो फील्ड को कमज़ोर कर देती है, तो फील्ड जो है वो कमज़ोर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी ऑसिल वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो वो मूव करना शुरू कर देगा, ये तो हमें पता है। तो क्या हुआ, हमने मूव करवाया था इस इलेक्ट्रॉन को, पर ये इलेक्ट्रॉन भी मूव करना शुरू कर दिया। और इस इलेक्ट्रॉन की अगर आप डायरेक्शन किसी वक्त भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि जब वो ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, और जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो ये भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैच कर रही है आपस में, ठीक है। ये हमारा रिसीवर है, ये हमारा ट्रांसमीटर है। अब यहाँ पर हम और चीज़ें भी देख सकते हैं, और वो क्या चीज़ देख सकते हैं, हम यहाँ पर इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ख्याल में वो फिर क्लोज हो गया। इस सिमुलेशन का इशू जो है वो चल रहा है, तो मुझे अभी एक मतलब फिर ये डाउनलोड करनी पड़ेगी, और मुझे नहीं पता कि कितनी मतलब डाउनलोड करके ये लेक्चर जो है ये बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हमें ये पता चला कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो दूसरे एंटीने का इलेक्ट्रॉन जो है वो भी मूव करेगा, इसी तरीके से हमारा जो रेडियो का सिस्टम है और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम है वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर और चीज़ें जो है वो भी दिखाता हूँ, और वो चीज़ें क्या हैं, वो ये है कि मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है इसकी और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज करके दिखाऊँ, पर यहाँ पर उसको आना चाहिए था, वो इसके साथ आया नहीं, अदरवाइज़ वो यहाँ पर एक हमारे पास जो है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ट्रांसमीटर ये है, ठीक है, इसकी वेव है, और यहाँ पर हमारे पास रिसीवर की वेव, ये जो रिसीव कर रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वेव बड़ी है, ठीक है जी। जैसे जैसे वो चैनल में से गुजरती है, ये जो बीच में जगह होती है इसको हम कहते हैं चैनल, चैनल जहाँ से वो गुजर के जाती है, यानी अगर आप लाहौर से ट्रांसमिट कर रहे हैं और
आप रिसीव कर रहे हैं साहिवाल में, ये मैं दूर की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर बात कर रहा हूँ, पर लाहौर से साहिवाल तक का जो भी रास्ता है बीच में वो चैनल कहलाएगा, ठीक है। तो जहाँ से आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत, उसके एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छी, एम्पलीट्यूड देखिए आप ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी दोनों तरफ सेम है, जो रिसीव कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी यानी ये नंबर ऑफ़ साइकिल्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ़ साइकिल्स दोनों तरफ सेम है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, और मुझे उम्मीद है कि ये सिमुलेशन अब फिर बंद हो जाएगी, पर तो अगर आप यहाँ पर देखें, उसको नीचे कर देते हैं, ये सिमुलेशन फिर बंद हो गई। इस सिमुलेशन को बनाने के लिए काफ़ी जो है, आप यहाँ पर देखें तो जो यहाँ तक का टाइम है, ये देखें, ये एक साइकिल है, इसका एक साइकिल जो है, ठीक है, ये इसका एक साइकिल है, तो आप देखें 1 2 3 4 5, 5 डब्बे आ गए आपके पास, ठीक है जी। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 और ये 5, थोड़ा सा इधर से करना चाहिए था क्योंकि मैंने ये पूरा, तो ये इधर से हाफ और इधर से ये 5 आ गया आपके पास। तो अगर आप देखें तो टाइम पीरियड जो है ना इसका और इसका वो सेम है। अच्छा, क्या चीज़ में फ़र्क आया, इसके यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है ना और इसकी हाइट देखें किसी भी जगह पर, ये बहुत कम हो गई, ठीक है। तो ये क्या था, ये जो टाइम पीरियड होता है, फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 1/T होती है। तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी इसकी यानी जो यहाँ से सिग्नल भेजा जा रहा है और जो यहाँ पे रिसीव हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी है इस सिनेरियो में, पर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो गया यहाँ पर पहुँचते पहुँचते, और उसकी वजह यह है कि हमारा जो चैनल है वो बीच में आया और उसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा फासला होगा उतना कम एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा। अगर ये फासला हम और ज़्यादा करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो और कम मिलेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है जी, ये साइकिल जो है पर मिनट या पर सेकंड रेपिटेशन जो है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो इसकी हाइट है 0 से लेके ऊपर तक इस साइनोसाइड की उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब इस वक्त ये दोबारा स्टक हो चुकी है जी, बिल्कुल ये स्टक हो चुकी है, पर अगर इसको नहीं, मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, तो आप देखें क्या चेंज आया, अब साइकिल्स करीब करीब आ गए, अब इसके साइकिल्स करीब करीब आ गए, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, अब मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी, देखें वो ये बिल्कुल साइकिल्स जो है बड़े हो गए। अब देखिए कितना बड़ा साइकिल है इसका, फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब देखें इसकी वेवलेंथ कितनी बढ़ गई और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है कितनी कम होगी, क्योंकि एक साइकिल कितने, अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के करीब जो है ना ब्लॉक्स का बन रहा है। तो ये हमने जैसे ही इसकी फ्रिक्वेंसी कम की, इसके वेवलेंथ ज़्यादा बढ़ गई, पर एम्पलीट्यूड जो है वो उनका नॉर्मल रहा है। अच्छा, मैं एम्पलीट्यूड भी बढ़ाता हूँ इसका, मैं इसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, तब आप देखें कि अब इसका एम्पलीट्यूड कितने बड़ी बड़ी पीक्स बन रही हैं इसके, ये किसी भी टाइम पर कितनी बड़ी पीक बन रही है देखें, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। अब मैं एम्पलीट्यूड कम कर देता हूँ उसका, तो अगर आप ये देखें तो साथ ही ट्रांसमीटर जो है उसकी पीक छोटी हो गई, पर पिछली पीक ये थी, ठीक है, एम्पलीट्यूड अब उसकी पीक छोटी हो गई, क्यों, क्योंकि मैंने एम्पलीट्यूड जो है ना वो कम कर दिया, अब सिग्नल आपका वीक हो गया, सिग्नल आपका वीक हो गया। और अगर आप रिसीवर में देखें तो वहाँ पर भी और एम्पलीट्यूड जो है ना उसका और कम हो गया, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि एम्पलीट्यूड जो है वो ये बताता है कि ये जो 0 से लेके इसकी हाइट कितनी है, और फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि रेपिटेशन कितनी जल्दी जल्दी इसकी हो रही है, तो ये आपकी। अच्छा, अब मैं जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा तो आपने ये भी देखना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी,
रिसीवर की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो रिसीवर की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। और जब मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दूँगा तो अभी तो ये बहुत ही आउट ऑफ स्केल चला जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उसमें हमने यहाँ पर स्टडी किया एम्पलीट्यूड और यहाँ पर हमने स्टडी किया फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अमूमन हम फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रख के सिग्नल्स भेजते हैं, ठीक है। वो आप आगे पढ़ेंगे उसमें आपको और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, पर हम फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा रख के अपने से सिग्नल्स को भेजते हैं। और एक तीसरी चीज़ भी होती है फेज़, जो कि बड़ी क्लासेस में जाके आपको पढ़ाई जाएगी। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम कर्व फॉर्म में देखते हैं। ये देखिए, कर्व फॉर्म में आपके पास ये वेव इस तरह ट्रेवल कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इसकी फुल फील्ड आप देखना चाहते हैं कि हर वक्त फील्ड में कहाँ पर चेंजेस हो रही है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस तरीके से चेंज हो रही है और उसके साथ वो चेंजेस जो हैं वो आगे यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं, ठीक है। अब ये वेव फॉर्म में नहीं है, ये टोटल हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिखाई गई है आपको, ठीक है। इसी तरीके से आप एक इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक फील्ड जो है उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक्चुअली हमारा जो ट्रांसमिशन है वो इस तरीके से काम कर रही होती है कि हमारा जो रेडियो है उसका एक ट्रांसमीटर होता है, उसको मैं टी कह देता हूँ, और एक रिसीवर होता है उसको मैं आर कह देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, और ट्रांसमीटर जो है वो आपका सिग्नल भेजता है, ठीक है, और रिसीवर उसको रिसीव करता है। और वो सिग्नल किस फॉर्म में भेजता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, ठीक है। और वो भेजा कैसे जाता है? वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा के, हमें ये इलेक्ट्रॉन दिया और इसको मूव कराया ऊपर नीचे, ठीक है जी। और जो रिसीवर है वहाँ पर भी हमारे पास एक एंटीना लगा हुआ है, और वहाँ पर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है, जो ईएम वहाँ से आती है, वो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है। यानी ये जो ईएम प्रोड्यूस होती है ये इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया जाता है और फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर उल्टा हिसाब होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इस ट्रांसमीटर पर के इस रिसीवर के एंटीने पे पहले पड़ती हैं और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, और जब वो मूव करता है तो उससे फिर हम सिग्नल डिकोड कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, जो कि हमें समझ आता है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ से सिग्नल जो है वो हम पहले इस फॉर्म में लेके आते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सके। यानी अगर आवाज़ है, मैं उसको वॉइस कह देता हूँ, तो वॉइस को हम ट्रांसलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है और वो फिर इसको दोबारा आवाज़ में बदलता है। और वो किस शक्ल में पहुँचती है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में पहुँचती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें एक होता है एम्पलीट्यूड, मैं उसको ए से कह रहा हूँ, ठीक है, जो आपने देखा भी था। दूसरी चीज़ क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। हम एम्पलीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं। और एक तीसरी चीज़ होती है जो इस सिमुलेशन में नहीं बताई गई पर आप पढ़ेंगे आगे जाके, वो होता है फेज़, ठीक है। मैं इसको इसलिए पूरा लिखता हूँ ताकि ये आपको फ्यूचर में उसको पढ़ना है, फेज़, ठीक है जी। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बदलती हैं, और जो भी वो चीज़ बदलती है वो फिर यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेट होती है और ये देखता है कि कौन सी चीज़ बदली गई है, और इस लिहाज से फिर वॉइस जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये वो तरीका है जिससे हमारी टोटल ट्रांसमिशन होती है। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इन चीज़ों पर बेस्ड होता है।